सो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं अपने सन जो उनका बेटा था, वो उनसे कहते थे आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तो वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इरफान खान साहब के कुछ थोड़े बहुत अच्छे विचार। तो थोड़े बहुत अच्छे विचार नहीं कहने चाहिए, वो तो सारे ही अच्छे थे, बट लेकिन उनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह का थॉट प्रोसेस वो रखते थे और किस तरह की ज़िंदगी वो जीते थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो इरफान खान साहब का लाइफ में जीने का तरीका जो था वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था। मतलब वो अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा खो जाते थे कि बिल्कुल उसको डीपली ऑब्जर्व करते थे। मेन रिजल्ट, अगर मान लो वो कोई भी काम कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ वो कर रहे हैं या कोई भी वर्डिंग वो अपने मुंह से बोल रहे हैं, सो उस वर्ड के बिल्कुल डीप में हो जाते थे। मतलब उसका थॉट्स जो उसके पीछे की जो एक वजह होती थी ना, उसको जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो अपनी सोल तक पहुंचना चाहते थे। ह्यूमन बॉडी जो चलती है वो सोल पे चलती है, आत्मा पे चलती है, तो वो बॉडी के अंदर ही होता है, बट लेकिन हमारी एक बॉडी है, बट लेकिन उसको जो चलाती है वो सोल चलाती है। तो इस बात को इरफान खान साहब बहुत जल्दी समझ गए थे कि यार मैं एक बॉडी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मतलब एक सोल हूँ, और मेरे को सोल जो है चला रही है। सो वो उसको जानना चाहते थे बहुत डीपली। देखा ना उनकी एक्टिंग में कितना मज़ा है, कितना क्लियरिटी है, कितनी एक अलग ही चीज़ है, क्योंकि वो उस तक पहुँचना चाहते थे, इसलिए वो हम सब लोगों से कनेक्ट करते थे, क्योंकि उनका स्पॉन्टेनियस माइंड बहुत तगड़ा ऑन होता था, बिल्कुल एकदम समझ जाते थे किसी भी चीज़ को। इसमें पॉइंट नंबर टू मैंने एक निकाला है, इसमें पॉइंट नंबर टू इसमें ये होता है कि इस तरीके के लोग ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। मतलब उनका थॉट्स, उनका सोचने का तरीका, उनका ये सब काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और जो पीछे उनके बोलने का जो उनका जो सोच होती है, जो नज़रिया होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हाँ, ये सही है, ये गलत है, ये है, ये है, मतलब मैं ये सोचता हूँ, आप क्या सोचते हो वो आप जानो, कि वो ये सोचते हैं। मतलब इस तरीके के लोग जो हैं वो हर चीज़ पे बिलीव नहीं करते। आपने अगर उन्हें कुछ बोल दिया तो उस चीज़ पे वो एकदम से बिलीव नहीं करेंगे, जब तक वो खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उस चीज़ को, तब तक वो उस चीज़ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। बट लेकिन अगर वो उनको खुद समझ में आ गई वो चीज़, खुद से उनको ये चीज़ समझ में आ गई, तो वो उस चीज़ पर बिलीव करते हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बहुत ही सारे। सो मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कुछ अपने धर्म से रिलेटेड, क्योंकि वो मुस्लिम थे तो मुस्लिम से रिलेटेड उन्होंने कुछ बोल दिया था। तो बहुत सारे जो धर्म गुरु होते हैं, मौलवी वगैरह, ये सब लोग होते हैं, तो ये सब लोगों ने आके उन पर चढ़ाई कर दी कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, ये तुमने ऐसा क्या कह दिया। तो उनको वो कंटिन्यूसली उस टीवी चैनल पे समझा रहे थे कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं बस अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ, यानी कि जो मैं सोचता हूँ इंटरनली उस चीज़ की वजह से कुर्बानी वगैरह जो हो जाती है, बकरा बकरी कुर्बानी कर देते हैं, सब कुर्बानी कर देते हैं, तो इसके इंटरनली की वजह से जो वो सोचते थे कि ये कुर्बानी गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, तो मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को जो करना है वो करो। तो इस तरीके का माइंडसेट उनका था कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ये चीज़ सही है तो सही है। अब वो देख लो, आप मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, बट लेकिन वो चिकन वगैरह, अंडा वगैरह ये सब नहीं खाते थे, मतलब वेजिटेरियन थे, तो ये भी एक अलग ही चीज़ है कि वेजिटेरियन होना, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था किसी को मारना, किसी जानवर को मारना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनके बारे में। एक पॉइंट और उनके बारे में मैंने नोटिस किया, उनके मैंने अलग अलग इंटरव्यूज़ देखे, कोई आज तक पे इंटरव्यू था, कोई अलग अलग न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू थे, तो उनमें मैंने एक बात देखी कि उन्होंने अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में, यानी कि लाइफ में जो उनसे भी उनके अलग अलग फील्ड हैं उन सब में उन्होंने काम किया। ये नहीं था कि वो रोमांटिक नहीं थे, वो रोमांटिक भी बहुत थे और रोमांटिक सीन्स भी उन्होंने किए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं, एक्शन सीन्स भी उन्होंने किए हैं। और अभी आप सफ़र देखिए उनका, जिस बंदे के पास खाने तक के पैसे नहीं थे वो बंदा बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और लाइफ ऑफ पाई तक हॉलीवुड की मूवीज़ उन्होंने की हैं। तो ये एक चीज़ है कि बंदा मतलब कहाँ से वो कहाँ गया है ना, तो वो तो एक उसको मिलना ही था वो चीज़, बट लेकिन उनके जो थॉट्स, उनके जो पीछे की जो चीज़ थी, जो साइकी थी, जो साइकोलॉजी थी, जो सोचने का उनका तरीका था, वो उन्हें वहाँ तक ले गया। क्योंकि घर से निकलने के बाद, ये सब करने के बाद वो समझ चुके थे कि नहीं यार बस अब यही करना है जो करना है, कोई भी सेकंड ऑप्शन उनके पास था नहीं, हुआ ठीक नहीं हुआ तो ठीक। ऐसे नवाज़ को देख लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी काफ़ी जाके एज में जाके सक्सेस मिला, काफ़ी एज हो गया था उनका भी, इरफान भाई का भी काफ़ी एज हो गया था क्योंकि उन्हें भी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे वो भी, अब तो बाद में जाके ख्याति प्राप्त हुई हुई थी उन्हें, और अभी 54 ईयर्स की एज में उनका डेथ भी हो गया। तो काफ़ी बुरा लगता है ऐसे जब महान लोग चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग अंदर से कनेक्ट होते थे, बिल्कुल डीपली इनके अंदर से एक कनेक्शन आता था कि हाँ यार उनकी एक्टिंग आप देखिए पान सिंह तोमर में, है ना, बहुत सारी उनकी मूवीज़ जो बना के गए हैं, अंग्रेजी मीडियम उनकी लास्ट मूवी है, तो क्या धांसू एक्टिंग की है ना उन्होंने इन सब चीज़ों में। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो है ना वो बहुत ही कम होते हैं,
और अंदर से कनेक्टेड, ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ मैं ये हूँ, नहीं, मैं एक इंसान हूँ और मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मुझे बॉडी मिली है, कोई धर्म वर्म ये सब यहीं आके बने हैं। और बहुत ही अच्छा समझाया उन्होंने, अगर उनके बारे में कोई डीप रिसर्च करेगा तो उनको समझ में आएगा कि यार क्या इंसान था, बहुत बढ़िया इंसान। पॉइंट और बताना चाहूँगा कि एक बार इनका अक्षय कुमार वगैरह सब बैठे हुए थे, इन सबका इंटरव्यू हो रहा था, तो अक्षय कुमार ने एक बात कही कि एक मूवी का सीन था और जिस मूवी के सीन को हम करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले 2 से 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटों से हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बट लेकिन इरफान खान साहब आए, उन्होंने डायलॉग देखा, उन्होंने थोड़ी बहुत देर किया समझा और उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा एक्टिंग कर दी। क्योंकि ये लोग नॉलेज के बेस पे नहीं चलते थे, ये लोग चलते थे अपने सोल के बेस पे, अपनी स्पॉन्टेनियस के बेस पे और अपने अंदर के बेस पे ये लोग चलते थे, और इसी बेस पे वो काम कर पाए, क्योंकि सब कुछ अंदर से ही निकलता है बाहर, बाहर से अंदर नहीं आता कुछ भी, अंदर से ही बाहर निकलता है, तो स्पॉन्टेनियस चलते थे ये लोग, बिल्कुल सटीक। सो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं अपने सन जो उनका बेटा था वो उनसे कहते थे आई एम प्राउड ऑफ़ यू बेटा। तो उन्होंने फिर बाद में सोचा कि यार मैं अपने बेटे को कहता हूँ आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, बट लेकिन उन्होंने बाद में उस पर रिसर्च किया कि यार मैं ऐसे कैसे कहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसको ऐसे बोलूँगा आई एम प्राउड ऑफ़ यू तो एक बीच में एक घमंड पैदा हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उस वर्ड पर बहुत सोचा, विचार किया, तो तब उन्हें समझ में आया कि यार घमंड वगैरह ये सब चीज़ ना मतलब आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती, डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है, तो किसी ना किसी लेवल पर ये चीज़ हमको ख़त्म कर देती है। तो इरफान खान साहब ने फिर आई एम प्राउड ऑफ़ यू का यूज़ करना छोड़ दिया, तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगी थी। और इसी तरीके से वो सोचते थे, वो अपने अंदर जाते थे, थॉट्स को अंदर जाने देते थे और फिर वो सोचते थे कि भाई अब मुझे क्या करना है, तो एक तरीके से कोई ग्रंथ व्रंथ और इन सब किताबों से दूर वो अपनी सोल, अपनी आत्मा से चलते थे।